friends, today I am showing you how to create your own questions using Google Forms. Okay, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने क्रोम में जाते हैं. तो क्रोम हमने ओपन कर लिया. इसमें हमने गूगल फॉर्म्स ये सर्च करना है. आप देख रहे हैं मेरे में गूगल फॉर्म आ गया. मैंने इसको ओपन किया. थोड़ा नेटवर्क स्लो चल सकता है तो उसके लिए सॉरी. ओके, तो देखिए गूगल फॉर्म यहाँ सामने आ गया है. आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. आपने क्लिक कर दिया. ठीक है, आप ऑलरेडी जो है वो गूगल अकाउंट में साइन इन होते हैं. जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइंड हूँ. और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन गूगल फॉर्म खोल के रखता है. आपको पर्सनल यूज़ करना है कि बिजनेस यूज़ करना है. ठीक है, तो एज़ यूजुअल गाइस हमको पर्सनल में जाना है. हमने पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया. ओके, अब यहाँ पे गूगल फॉर्म हमारा जो है वो ओपन होगा. और गूगल फॉर्म जो हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है आपको बता रहा है पहले से की. ठीक है, ये देखिए हमारा गूगल फॉर्म जो है वो ओपन होकर के सामने आ रहा है. हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखना है टेम्पलेट गैलरी ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस खुल रहे हैं. कई सारे टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइंस में ओपन हो रहे हैं. तो हमको ये चूज़ करना है कि हमको कौन से ऑप्शन चूज़ करने हैं. ठीक है, कौन सी चीज़ें हम लोगों को लेनी है. अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लैंक लेना है तो आप वहाँ से ले लीजिए. अदरवाइज आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके काम के हिसाब से वो सही है ना. तो अभी हम लोग चलते हैं, चूँकि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर वाला ऑप्शन बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को जो है वो देना है. ठीक, तो उसके लिए ये देखिए असेसमेंट ऑप्शन जो है इसमें हम लोग चले जाते हैं. आप चाहें तो वर्कशीट ऑप्शन में भी जा सकते हैं. तो इस पर हम लोग जाते हैं. बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं फॉर्म के. आप उसको ओपन करिएगा तो आपको दिखेंगे अलग अलग तरह के फॉर्म डिजाइन जो होते हैं वो इसमें मिलेंगे आपको. और सारे फॉर्म्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आपको ऑप्शन देते रहेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए असेसमेंट जो है ये ओपन करके रख दिया है. ओके, तो ये आपके सामने आ गया है. आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले से ही बनी हुई रखी होती हैं, चूँकि टेम्पलेट जो होता है वो हमारा प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होता ही है. तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पे देखिए असेसमेंट्स लिखा हुआ है. आप जो चाहें वो यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं. ठीक, अगर हमको हमने बस यहाँ पे पेपर लिख दिया. ओके, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन आप देना चाहें तो आप इसको भी डिलीट कर दीजिए. और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो. अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं. तो हमने उसको छोड़ दिया. अब हम आते हैं अपने पहले वाले ऑप्शन में. तो यहाँ पे नेम है, इसको वैसे ही रहने दीजिए. ईमेल है, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए. और इसके बाद हम लोग क्विज क्वेश्चन ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे दे रहा है योर फर्स्ट क्वेश्चन, आप इस पर क्लिक कर दो. अपना क्वेश्चन आप लेकर के आओ, यहाँ पे टाइप कर दो. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से हम एक लिंक खोले हुए थे. यहाँ से देखिए हमने क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लिया है. और यही क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ. ये क्वेश्चन हमारा आ गया. यहाँ पे देखिए गाइस हमारे क्वेश्चंस के टाइप आते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं. ओके, तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना था, शॉर्ट आंसर बनाना था, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बनाना था, चेक बॉक्सेस बनाने थे, ड्रॉप डाउन वाले आंसर बनाने थे. तो कौन सा वाला टाइप हमको बनाना था वो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको रखना है तो आप इसमें फाइल अपलोड कर सकते हैं. ठीक ना, यहाँ पे डेट टाइम ये सारी चीज़ें ऑप्शन में दे रहे हैं तो आप ये सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक, तो सबसे बेस्ट होता है कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा हुआ है या तो शॉर्ट आंसर रखा हुआ है, तो बच्चे जो है उसमें आंसर करना जो होता है उनके लिए ईजी होता है. अगर आप इसमें लॉन्ग आंसर करते हैं तो लॉन्ग आंसर वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी कि बच्चा जो है वो टाइप करता रह जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी. तो इसलिए ऐसा क्वेश्चंस मत बनाइएगा कि उसमें ज़्यादा ऑप्शन जो है वो उनको देना पड़े कि उनको बैठ करके टाइप करना पड़े या कुछ ऐसा. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चेक बॉक्सेस, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं उन चार ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो बच्चा उस पर क्लिक करेगा.
किसी दूसरे पे क्लिक करेगा तो वो पहला वाला ऑप्शन हट जाएगा। जबकि चेक बॉक्सेस में क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आंसर होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा दो तीन ऑप्शन में टिक कर सकता है। तो ये वाले ऑप्शन जो होते हैं वो यहाँ से नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को आप देखिएगा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा ऑप्शन जो है वो MCQs पे ही है, हमने MCQs को चूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखना है, तो ऑप्शन जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एंड उत्तर प्रदेश कर देते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो गए और इसका सही आंसर जो था वो था राजस्थान। तो हम इसको यहाँ से महाराष्ट्र, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन जो है वो हमने चूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो आंसर की वाला ऑप्शन था इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से जो हमको सही लगा उस पर हमने टिक कर दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसपे हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। और इस क्वेश्चन में देखिए हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने चार ऑप्शन दे दिए हैं और क्वेश्चन का जो टाइप चेंज करना था वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आप अगर चाहें तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस बने हुए हैं, जैसे ऐड क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, इम्पोर्ट क्वेश्चंस है। तो इम्पोर्ट क्वेश्चन तब काम करेगा जब आप कोई और भी इसके पहले अपने फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस आपने डाले हुए हैं, तो उसमें आपका इम्पोर्ट क्वेश्चन जो है वो काम कर सकता है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे पहले से नहीं है इस वजह से हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास देखिए सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप पर्टिकुलर कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अपना टाइटल या क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसके लिए आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सेक्शन जो होता है इसको ऐड किया जाता है, तो सेक्शन जो है उसको ना चूज़ किया है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक ना, एक ही में हम लोग का सारा काम हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास इतने ऑप्शन थे, हमने ये काम कर लिया, एक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ और सेटिंग है, जैसे यहाँ रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे हमने इसको टिक किया हुआ है कि हाँ, इस समय देखिए अनटिक हो गया, हमने इसको टिक कर लिया, टिक किया है। तो इससे हमको क्या होगा कि जो बच्चा है वो क्वेश्चन जो है वो जरूर अटेम्प्ट करेगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं कि बच्चा बच्चे को आए चाहे ना आए, वो उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो ही आप यहाँ रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो बच्चे को क्वेश्चन आएगा चाहे नहीं आएगा, उसको गलत सही कुछ ना कुछ आंसर देना जरूरी है। लेकिन अगर इसको आपने अनटिक कर दिया है तो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकता है, अगर उसको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन जो है वो जरूरी थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सफल ऑप्शन ऑर्डर है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर है। यहाँ से हमको कोई क्वेश्चन का मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक ना। तो हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओके हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन का एक और कॉपी बन जाए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक ना, इसका डुप्लीकेट करेंगे तो इसी क्वेश्चन का और कॉपी बन जाएगा, अदरवाइज हमको नीचे जाना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक दूसरे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये देखिए ये चेकबॉक्स के हैं,
ठीक, ये चेकबॉक्स वाले हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक। तो इसको या तो हम डिलीट कर दें या तो फिर हम यहाँ से ही चेंज कर दें, ठीक ना। एम सी क्यूज जो होता है यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक। अब ये देखिए हमारा चेकबॉक्स वाला ऑप्शन ना होकर के एम सी क्यूज वाले ऑप्शन आ गए, ये रेडियो बटन्स हो गया, ठीक। तो अब हम यहाँ से अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें वो हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए ये सारे ऑप्शन ही हटा दिया। अगर हम चाहते थे कि सिर्फ दो ऑप्शन इसको मिले, इस क्वेश्चन का सिर्फ दो ऑप्शन मिले, तो हमने एक ऑप्शन रखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन को ऐड और कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से सिर्फ दो ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा उसको हमको आंसर की पे जा करके उसको चूज कर लेना है कि ऑप्शन वन इज राइट और ऑप्शन टू इज राइट। ओके, आपने काम ये कर लिया, इसको डन कर दिया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आपके क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद आप नीचे ऑप्शन आते हैं। अब आपने देखा कि इसमें जो चीज़ हमको चाहिए उसको हम रख सकते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हम हटा सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमको नहीं मन कर रहा है कि हमको रखना है, ठीक ना। तो हमने ये वाले ऑप्शन को चूज़ किया और ये क्वेश्चन ही हटा दिया, ठीक। ये टाइटल वाला क्वेश्चन था, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इन सबको भी हम हटा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास देखिए अब क्या है, हमारे पास सिर्फ इतने ऑप्शंस बचे। क्या था कि हमने बच्चे का नेम ऑप्शन रखा हुआ है, हमने बच्चे का ईमेल ऑप्शन रखा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा था, ठीक है। आपको ईमेल रखना है तो आप ईमेल रखिए, अदरवाइज आप इसको क्लास कर दीजिए, ठीक ना। तो क्लास वो हो जाएगा, ओके। तो ये सब ऑप्शन जो है वो ज़रूरी हैं, और यहाँ पे देखिए ये रिक्वायर्ड है, इस वजह से रिक्वायर्ड ऑन है ना, इस वजह से देखिएगा यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन जो आपको दिखेगा उसमें आप देखिएगा ये स्टार ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना। ये स्टार है, इसका मतलब है कि ये मस्ट है, बच्चे को देना ही देना है। तो आपको अगर ईमेल रखना है आप ईमेल रखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लास बना दीजिए, क्लास और सेक्शन, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन लिख लेगा, ऊपर नाम तो दिया ही है, तो ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। इसके बाद फिर हम इसमें नीचे जा सकते हैं, ये देखिए नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने दे दिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमको देने हैं कि नहीं देने हैं वो समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को टाइप करने में दिक्कत होगी। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे के पास लैपटॉप ही हो, कंप्यूटर ही हो, ठीक ना, और वो उसी से आंसर कर रहा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वजह से ये वाले ऑप्शन को आप रहने दीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो ऐड क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जो, इस पर क्लिक करके नया क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से बनते जाएंगे और हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डेवलप करते जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप चाहें उतना यहाँ से बनाते चले जाएंगे, ओके। तो ये तरीके जो हैं वो हो गए। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको सेंड कर देना है, ठीक है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे पहले चले जाइए, सेटिंग वाला ऑप्शन जो ये दिख रहा है इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए नॉर्मली हमारा क्या है कि हम लोग उनको कलेक्ट करना है उनका ईमेल एड्रेस, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक ना। रिस्पॉन्सेस रेसिपी जो रिसिप्ट हैं उस पर क्या करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि रिस्पॉन्डेंट्स रिसीव्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज, वो अपनी एक रिस्पॉन्सेज कॉपी ले रहे हैं, ठीक। तो ये वाला काम अगर आपको कराना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि इफ रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्टेड, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तभी उसको मिलेगा, या ऑलवेज यानी उनको हमेशा एक कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये जरूरी वाला ऑप्शन थोड़ा सा आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिक्वायर्ड साइन इन, ठीक है, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, ये ज़्यादा जरूरी है ना। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं, क्योंकि क्या होगा कि बच्चा ऐसे नॉर्मली क्या होगा कि उसने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट कर दिया सारे आंसर, अब उसको गूगल फॉर्म दिखा देगा। इसके बाद क्या होगा कि बच्चा ने वो रट लिया, उसके बाद फिर वापस अगर आपने यहाँ पे इसको लिमिट में नहीं डाला हुआ है तो बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, वो वापस से उसको दोबारा से एक बार कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करके उसने सारे सही आंसर देने हैं, और उसके बाद फिर उसको वो सबमिट कर देगा। तो इस तरह से उसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सब का सब करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो हमको लिमिट में रखनी है कि एक ही बार एक रिस्पॉन्स होगा, एक मेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स हो सकता है। इसके लिए आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि वो तरीके से अच्छे से उसको दें। अगर पहले से ही वो सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो अगर एक ही क्वेश्चन किया तो बस उस ईमेल आईडी से वो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके बाद फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एडिट आफ्टर सबमिट, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बच्चा क्या करेगा, सबमिट क्लिक पे क्लिक कर देगा, उसके बाद फिर उसको देखेगा कि अच्छा ये राइट आंसर है, तो उसमें एडिट कर देगा, उसी में वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, तो
यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं उनकी समरी चार्ट्स जो है वो आपको दिखानी है रिस्पोंडेंट्स को, ठीक ना। ये रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक ना, उनको दिखानी है, नहीं दिखानी है तो नहीं दिखानी है, तो ये सब पे अनटिक रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमको इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अगर आप में और भी चेंजेस करना है, कुछ एडिट करना है या कुछ ऐसा करना है, तो आप इस पर क्लिक करके थीम्स या कुछ भी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सेकेंडरी मैटर है, आपको ये करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी हटाते हैं नॉर्मली। अब हम लोग इसको सेंड करते हैं, तो हमने सेंड किया हुआ है, कैसे दिखा रहा है ये, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक, सेंड वाया, इसको मेल से सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिंक ऑप्शन दिख रहा है, इस लिंक को आप कॉपी करके उसके बाद फिर उसको आप भेज सकते हैं, इसको शॉर्ट इन कर लीजिएगा तो और छोटी लिंक बन जाएगी। नेटवर्क स्लो है इस वजह से कॉपी नहीं हो रहा है, इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से तो वो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया है, ठीक, कॉपी टू क्लिप बोर्ड हो गया। अब अगर हम चाहें तो व्हाट्सएप पे बच्चों को वो भेज सकते हैं, ठीक ना, इस लिंक को। अगर आप मेल से ही भेजना चाहते हैं तो आप मेल पे चले जाइए, जिसको भेजना चाहते हैं उनका, यहाँ पे कोई भी मेल जिसको भी भेजना चाहते हैं, ये मेल लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपको जो सब्जेक्ट देना है वो सब्जेक्ट देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखा रहा है, आई हैव इन्वाइटेड यू टू फिल आउट ऑफ फॉर्म, यानी आप जिसको मेल कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा। इसका मतलब है कि आप सारे बच्चों को मेल करेंगे, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि आप इस पर क्लिक करें और सर्टन यूआरएल पे क्लिक कर दें और उसको कॉपी कर लें। और उसके बाद फिर आप यहीं से व्हाट्सएप खोलिएगा और व्हाट्सएप खोल करके वो सारे मैटर जो उस ग्रुप में भेजने हैं उस पर आप सेंड कर दिएगा। तो उससे क्या होगा कि एक लिंक जो है वो बच्चों के पास चली जाएगी और बच्चे उस पर क्लिक करके काम कर सकते हैं, है ना। तो ये तरीका था जिससे हम लोग इसको सेंड भी कर सकते थे। ओके, प्रीव्यू देखना चाहें तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। हमको लगता है कि हमारा जो है नेटवर्क ज़्यादा ही स्लो हो गया, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें जो है वो जरूरी जितनी भी चीज़ें थी वो सब जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आप इसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे किंग टेक्नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।